क्लास में हमने पढ़ा था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और इस क्लास में उसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर में टॉपिक में हमको पढ़ना है फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज एंड हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हम पहला जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है हमारा फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है? फ्लाइट टाइम वही ऑब्जेक्ट है बेटा, सिंपल, यहां से फेंका गया है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जाने में जो टाइम लिया गया है उसे ही हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट टाइम बोलेंगे। तो सिंपली टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? डायग्राम की बात करें तो पिछली क्लास में हमने डायग्राम अच्छे से समझाया था। यहां से हम समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको फेंका गया है थीटा एंगल पर, तो यहाँ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा u, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, और वर्टिकल कंपोनेंट ui। यहाँ पे ये कंपोनेंट vx, vy और ये v, ठीक है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही तुम्हारे रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, ठीक है। ये हमने सब डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लास में, vx एंड vy। यहाँ अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी ये vx हो जाएगा और ये हो जाएगा vy, ठीक है ना। जल्दी से डायग्राम प्लॉट करिए और ये सारी चीजें लिख लीजिए, डेफिनेशन, फिर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है तो कितने टाइम बाद वो किसी दूसरे पॉइंट पर निकलेगा। अगर हमें वेलोसिटी और एंगल पता है तो वी कैन फाइंड द फ्लाइट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट की, अगर हम यहाँ से फेंके तो दो मिनट बाद किसी दूसरे प्लेस पर गिरेगा, तो ये हम फाइंड। चलिए आगे बात करते हैं। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या लिया जाएगा? u लिया जाएगा, ui। तो यहां पर ये हो जाएगा, और ui कितना है? ux, सॉरी u sin theta। हम यहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पहले ले लेते हैं, u cos theta एंड ui is equal to u sin theta। हमने पिछली क्लास में सब बता रखा है। तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा vy is equal to ux minus gt, ux की जगह वैल्यू, सॉरी ui,
वी वाई हो जाएगा जीरो, हेड पॉइंट पी वी वाई क्या हो जाएगा जीरो, और यहां पर वी वाई यू वाई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यहां से अगर जी टी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा यू साइन थीटा, और टी मिल जाएगा यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये बेटा पॉइंट पी तक पहुंचने में लगा टाइम है, ठीक है ना। अब जितना ही टाइम पी तक पहुंचने में लगता उतना ही टाइम पी से इसके फाइनल पॉइंट क्यू तक लग देगा। तो यहां अगर टाइम टी है तो यहां ये हो जाएगा टी, और तो टी टी और क्या हो जाएगा क्यू टी हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए तो बोलेंगे टोटल टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम कैपिटल टी हो जाएगा टू टी, क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां ये पी तक आने में लगा टाइम है, और ओ से क्यू तक जाने में टोटल टाइम क्या हो जाएगा टू टी की वैल्यू है यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो यहां हमें फ्लाइट टाइम पता करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, एंगल पता है, तो हम बता सकते हैं कि कितने टाइम बाद कोई ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट पर गिरेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग फ्लाइट, सॉरी हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ही पहुंच सकता है। तो आपको अब नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एक डायग्राम से हम सारा कुछ करेंगे। आप लोग भी एक बार डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद उसी से सारे डेरिवेशंस कर लेंगे। तो यहां पर यही तो मैक्सिमम हाइट बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा हाइट है वो यही हो जाएगी, ठीक है। तो यू एक्स इज इक्वल टू यू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। एट पॉइंट पी, सॉरी फॉर द हेडिंग असली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो एट पॉइंट पी हाइट विल बी मैक्सिमम, यानी पी पर एक पॉइंट पी हमने यहां पर मान रखा है पी, लेकिन सभी भी कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका एक सर्टेन पॉइंट पर क्या होगी मैक्सिमम हाइट होगी, विल बी मैक्सिमम देन पाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। बट हम यहां यूज क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज नहीं करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज करिए भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि यहां से h इजीली फाइंड कर लेंगे। यहां से जो तुम्हारी p पर होगी तो v की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, एंड u y हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी
अपॉन 2g, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर देखिए, या तो हम चेंज कर सकते हैं u, या तो साइन स्क्वायर थीटा, या तो जी। जी चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट है हमारा। u ऑब्वियसली बात है कि जितनी स्पीड होगी उतनी ही हाइट होगी, लेकिन एंगल अगर बात करें कि किस एंगल पर मैक्सिमम हाइट मिलेगी, तो थीटा ऑब्वियसली जो साइन थीटा की वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच लाई होती है। तो अगर थीटा हाइट विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, यानी थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां h मैक्स लिख लीजिए, h मैक्स, तो u स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g। यानी अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि हाई जंप के लिए हमें कितना एंगल लेना चाहिए, तो 90 डिग्री। कोई हाई जंप करता है तो इस सिचुएशन में बहुत तेज रन करके उसके बाद अपने आप को 90 डिग्री पर जंप करता है, इससे उसको क्या मिलता है, मैक्सिमम हाइट मिलती है, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमम हाइट ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हाइट ही फाइंड करना तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक की जाएगा, तो यहाँ हमें एंगल पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, सॉरी हाइट आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट इसको, एंड पुट द नेक्स्ट हेडिंग, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज क्या होती है, सुना होगा आपने, जो रेंज होती है वो बुलेट्स की होती है, गन्स की होती है, गन बताते हैं कि इसका रेंज क्या है, 1 किलोमीटर तक की। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ साइंस वगैरह बनाए जाते हैं DRDO द्वारा, उसमें बताया जाता है कि इतनी रेंज तक की मारक क्षमता है इसकी, है इतने रेंज तक वो बिना ईंधन खर्च किए हुए चली जाती है। तो वही होता है रेंज। रेंज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल by an object during its projectile motion is known as its range, उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को हम बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
इनटू फ्लाइट टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम ux से लिखते हैं और फ्लाइट टाइम कैपिटल T से डिनोट किया था, और ये रेंज को हम r से डिनोट करते हैं। ux की वैल्यू होती है u cos theta इनटू फ्लाइट टाइम की हमने फॉल किया था सिंस t इज इक्वल टू फर्स्ट वाले डेरिवेशन में u sin theta अपॉन में g, यही किया था। तो यहां से पुट करेंगे तो u sin theta अपॉन g, तो u एंड u, u स्क्वायर sin theta cos theta अपॉन में जी, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा है, sin 2 थीटा हो जाएगा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g, और ये आ गया आपका रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी हमें u पता हो और एंगल पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं कि कोई अगर बुलेट फायर की गई है तो उसकी रेंज क्या होगी। अगर एंगल पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पर जाकर बुलेट फायर होगी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे डेरिवेटिव सारे एक्सप्रेशंस हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज ये होता है, हमें फेंकना है होता तो हम देखते हैं कितने डिस्टेंस तक की जाती है। तो पहले प्ले भी करते हैं, फिर अभी भी बॉल लेते हैं और देखते हैं कितनी डिस्टेंस तक की तुम फेंक सकते हो, यही होता है कंपटीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, सॉरी मैक्सिमम रेंज के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा में क्या कन्वर्जन कर सकते हो, तो साइन टू थीटा है यहाँ पर, और साइन टू थीटा की जो हमने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू वो होती है 1, तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस 1 होनी चाहिए। इस सिचुएशन में प्लस 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू होती है, टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए हमें कितने एंगल से थ्रो करना होगा ऑब्जेक्ट को, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्रिकेटर अगर 45 डिग्री से क्या करता है, बॉल को बीट करता है, थ्रो करता है, तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड हार्दिक पांड्या, डिफरेंस बिटवीन युवराज सिंह एंड विराट कोहली, कि क्या करते हैं युवराज एंड हार्दिक पांड्या, ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट और गेन करते हैं, और उसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं, कैच हो जाते हैं, उनका सिक्सर या तो जाता है तो सिक्सर जाता है, ठीक है, अदरवाइज कैच आउट। बट अगर हम बात करें विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की, तो उनकी सिक्सर्स बहुत कमी पड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनके ज्यादातर 4 रन्स आते हैं, क्यों, उनका जो प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री पर, बल्ला घुमाने का जो स्टाइल है वो 45 डिग्री पर, वो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है इसलिए उनका 4 रन ज्यादा जाते हैं और ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। That is, R max is equal to हो जाएगा u square upon 2g। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
एक नोट करके थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए, नोट, इफ वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रो, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर हम 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को उतना ही रेंज मिलेगा, अगर हम 60 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं थ्रो करते हैं उस कंडीशन में भी तुम्हारी रेंज क्या होगी, सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अब क्यों सेम होंगे इसकी बात करते हैं, तो जैसे यहां पर साइन हम थीटा को 30 लेते हैं तो साइन यहां पर पुट करोगे तो साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, ठीक है। बट अगर हम बात करें 90 माइनस थीटा की, मतलब 90 माइनस 30 की 60 डिग्री की, तो यहां पर हो जाएगा साइन 60 इंटू 2 यानी साइन 120 डिग्री, और साइन 120 की भी वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, ठीक है। तो इसलिए चाहे थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों केसेस में रेंज इक्वल होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये नोट याद रखिएगा, अगर हम इसको डायग्राम से बात करें तो यहां पर एक चिंटू है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। एक है ये 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, इसको ऐसे नहीं बनाते, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर देखते हैं 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर पॉइंट सेम है, और यहां पर जो हमें वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप इसके लिए एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर को चलेंगे, जो हमारा चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू ऑल।